निमराना में हाल ही जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हुई ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की घोषणा में निमराना ब्लॉक से हाकम सिंह चौहान को अध्यक्ष बनाए जाने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ब्लॉक के गुर्जर यादव एससी एसटी सहित अन्य समाजों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हॉस्पिटल चौक पर पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का पुतला फूंका। ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष मोजीराम यादव पूर सेलारपुर सरपंच धर्मवीर सिंह और गुर्जर नेता बिल्लू गुर्जर और पतराम पंच एक संयुक्त बयान में बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह के इशारे पर जिला अध्यक्ष टीकाराम जुली ने विभिन्न समाजों से स्थानीय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर वरीयता को लांग कर जूनियर और पहले भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता हाकिम सिंह चौहान को निमराना कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बनाने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया और नव नियुक्त अध्यक्ष की जगह किसी पुराने कार्यकर्ता और वरिष्ठ व्यक्ति को ब्लॉक अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई। इन स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने भंवर जितेंद्र सिंह पर जातिवाद की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। इस मौके पर प्रदीप पहलवान, ओम प्रकाश, राधेश्याम बरसीवाल, धर्मपाल, राजाराम सिलारपुर, सत्यवीर ठेकेदार, हिम्मत सिंह, नवीन, हिमांशु और राजेश आदि कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। हमने पहले भी राजशुमारी किया था ब्लॉक अध्यक्ष के लिए, भंवर जितेंद्र जी के पास में फूलबाग गए थे, हमारी अनदेखी किया और जातिवाद किया उसने, हमारी अनदेखी किया और कार्यकर्ताओं की बगैर राजशुमारी के ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। उसके विरोध में हम भंवर साहब का भी पुतला फूंक रहे और कार्यकर्ता है तोप है तो कार्यकर्ता है, फूलबाग कोई तोप नहीं।